सबसे पहले कर लेते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर के महाराजा कॉलेज की जमीन वापसी का मामला है और इस मामले में बड़ी अपडेट ये कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का अनशन खत्म हुआ है। विधायक अमीन कागजी ने खत्म कराया है अनशन। अमीन कागजी ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि सिंडिकेट में जमीन नहीं देने का फैसला लेने का आश्वासन दिया गया। सिंडिकेट में आईपीडी टावर से जुड़े अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। और पिछले चार दिन से एनएसयूआई कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए थे। दो दिन में तीन कार्यकर्ताओं की तबीयत भी बिगड़ चुकी थी और पिछले 12 दिन से धरने पर बैठे हुए थे एनएसयूआई कार्यकर्ता। सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा अपडेट उनसे हम जान लेते हैं। ललित, अपडेट बताइए इस खबर पर। जी बिल्कुल मनी, आपको बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल में जो आईपीडी टावर बनने जा रहा है, उस आईपीडी टावर के लिए जो मुख्य सड़क है उसको चौड़ी करने के लिए महाराजा कॉलेज के करीब 11,000 वर्ग मीटर जमीन अवाप्त करने के लिए जेडीए की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय को 3 बार पत्र लिखा जा चुका है। इसके साथ ही जमीन अवाप्ती की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ ही शिक्षकों ने भी इसका विरोध तेज किया है। पिछले 12 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर जहाँ धरना चल रहा था, तो वहीं 4 दिन से एनएसयूआई की ओर से अनशन शुरू किया गया था, जिसके बाद 3 अभ्यर्थियों की जो अनशनकारी थे उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आज उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। और आज देर रात विधायक अमीन कागजी और जो राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य हैं वह विश्वविद्यालय पहुंचे, उनसे वार्ता की, उनको आश्वासन दिया है कि सिंडिकेट में जमीन नहीं देने पर जो बात है वह रखी जाएगी। साथ ही जो आईपीजी टावर के अधिकारी हैं जो बना रहे हैं उनको भी इस मीटिंग में आमंत्रित किया जाएगा। तो ऐसे में अब आश्वासन के बाद एनएसयूआई की ओर से धरना स्थगित कर दिया गया है। साथ ही विधायक अमीन कागजी ने जो अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थी थे उनका जूस पिलाकर उनका अनशन भी तोड़वाया है। तो 12 दिन से जो गतिरोध चला आ रहा था, विद्यार्थियों की सिर्फ एक ही मांग थी कि जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाए, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो महाराजा कॉलेज है वो एक हेरिटेज के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में यदि उसकी जमीन ली जाती है तो विद्यार्थियों का तो नुकसान होगा, साथ ही बिल्डिंग का भी नुकसान होगा। तो अब विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया है, सिंडिकेट के सदस्य भी हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जल्द ही इसका कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया आपका ललित तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो देखिए बड़ी अपडेट यही है कि विधायक की ओर से आश्वासन दिया गया इस पूरे मामले पर, क्योंकि कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना इनका चल रहा था और अब ये धरना जो है इनका खत्म हो चुका है।